पूरी तरह से प्रभावित हुई है। भारत में विमान के ऑनलाइन टिकट नहीं हो पा रहे हैं, सर्वर में प्रॉब्लम की वजह से, तकनीकी समस्या की वजह से, देखिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है और विमान के ऑनलाइन टिकट नहीं हो पा रहे हैं। भारत समेत कई देशों में विमान और बैंकिंग सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा देखिए भारत में विमान के ऑनलाइन टिकट भी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। भारत समेत कई देशों में विमान सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, बैंकिंग और देखिए बैंकिंग सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। आपको बता दें कि सर्वर में तकनीकी खराबी जिसकी वजह पर पूरी दुनिया पर इसका असर दिख रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर की तकनीकी खराबी जिसकी वजह से पूरी दुनिया पर इसका असर दिख रहा है और एयरपोर्ट्स पर देखिए ऑनलाइन टिकट भी नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही कई विमानों को भी लैंड कराया गया है। कितनी लेट हुई फ्लाइट हुई, क्या किस तरह की दिक्कतें आई हैं? दिक्कत तो कोई नहीं आई है सर, ठीक थी। कारण क्या बताया फ्लाइट लेट? ऐसा कुछ खास बताया नहीं, टर्मिनल बीच में टर्मिनल होता है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा लेट। सर्वर ठप? आप हमारे जो बड़े भाई हैं, सर्वर ठप होने की जानकारी? नहीं नहीं, ये बताएंगे। आपका नाम? मेरा नाम अलीम खान है। ये दीपक प्रसाद जी हैं। सर इस बारे में बता दीजिए क्या बोल रहे हैं। देखिए फ्लाइट, मैं मुंबई से आ रहा हूँ अभी, एयर इंडिया से। फ्लाइट डिले हुई है, एक घंटा डिले हुई है। कारण मुझे नहीं मालूम, मैंने पूछा, उन्होंने मुझे बताया नहीं। वही है, और बताइए क्या पूछना है। एंट्री किस तरह से दी थी? सर्वर ठप हो गया था तो एंट्री आराम से? नहीं, एंट्री आराम से दी उन्होंने, एवरीथिंग इज फाइन, सारा कुछ अच्छा दिया उन्होंने। बाकी हम लोग बैठने के बाद में कोई कारण होगा जिसकी वजह से शायद लेट होगी, बाकी हमको कोई तकलीफ नहीं हुई, यही है कि थोड़ा लेट हुआ। आपका नाम? मेरा नाम दीपक है। ठीक है, थैंक यू। तो देखिए पैसेंजर्स की तरफ से क्या कुछ कहना है ये हमने आपको दिखाया, लेकिन ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर देखिए भारत समेत कई देशों में विमान सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं और स्टॉक एक्सचेंजेस की भी जो सेवाएं हैं वो भी बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। टर्किश एयरलाइन के सभी विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। ब्रिटेन में स्काई न्यूज का लाइव प्रसारण भी प्रभावित हुआ है। तो दुनिया भर में कई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। दुनिया भर में विमान और टेक ऑफ और लैंडिंग की भी परेशानी सामने आ रही है तमाम विमान की, और विस्तारा की तरफ से भी देखिए जानकारी दी गई है। स्वाति हमारी संवाददाता जुड़ गई है दिल्ली से। स्वाति, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? कहा जाए कि न सिर्फ विमान सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, स्टॉक एक्सचेंजेस, कई ऐसी सेवाएं हैं जो इस तकनीकी खराबी की वजह से प्रभावित हुई है। क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है स्वाति? देखिए भारत सहित दुनिया भर में जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर शांतनु ठप हो गया है, जिसकी वजह से एयरलाइंस ही नहीं बैंक सेवा पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है और लोगों को सीधे तौर पर जो है वो कई तरह की दिक्कतें हो रही है इसकी वजह से। एयरपोर्ट पर यात्री मौजूद है, उन्हें इससे परेशानी हो रही है, और सिर्फ भारत नहीं अमेरिका में भी इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। दुनिया भर के कई ऐसे देश हैं जहां पर विमान सेवाएं जो है वो ठप हो गई हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में जो है वो दिक्कत हुई है, जिसकी वजह से सीधा असर उड़ान सेवाओं पर देखने को मिल रहा है। प्रभावित कई उड़ान सेवाएं जो है वो हुई है। इसके साथ ही जो बैंकिंग सेवाओं से लेकर टिकट बुकिंग तक में दिक्कतें हो रही हैं, ये भी निकल कर सामने आ रहा है, और स्टॉक एक्सचेंज पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप हो गया है, जिसकी वजह से बैंक में दिक्कतें आ रही हैं, एयरलाइंस तक प्रभावित हो गई है, और भी कई समस्याएं जो है वो निकल कर पूरे देश भर में, दुनिया भर में सामने आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति आपका इस तमाम जानकारी के लिए।